हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बाकी न्यूमेरिकल भी इजी सॉल्व हो सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो मेरे पास कंटेनर है जिसमें अलग अलग फ्लूड है, और जिसकी ये देखिए रेड वाला जो ये है, इसका नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, ए कंटेनर है, ये कोई बी है। ठीक है, तो ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है 1.20, और इसके बाद यहाँ पे है जो फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, S2 लिख दिया, 13.6, मतलब मरकरी है। और इसमें जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.75। तो हमारे पास ये है, और इसकी कुछ रीडिंग्स ऑलरेडी दे रखी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है रीडिंग 150 mm, 180 और 220 mm ये हमारे पास है। अब देखो मेरे भाई, करना क्या है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पी ए लिखूंगा, पी ए। तो माइनस, अब ये देखो यहां से शुरू हो गया, नीचे जा रहा है, ये यहां से नीचे जाना है, पी ए के बाद यहां आ गई, यहां से यहां तक माइनस रो वन जी एच वन, मैं इसको एच वन मान लेता हूं, एच वन, और फिर नीचे आना यहां से लेके यहां तक माइनस रो टू जी एच टू, इसको मैं एच टू मान लेता हूं। ठीक है, तो H2 मेरे पास ये आ गया, उसके बाद क्या होता है जंपिंग टेक्निक, यहां से लेके यहां तक, तो फिर यहां ऊपर जाना है अब, तो प्लस, तो रो 3GH3, इसको मैं H3 बोल देता हूं, और इसके बाद यह वाला जो प्रेशर है वो प्लस हो जाएगा यहां पे PB। बस इतनी सी इक्वेशन बनती है और आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व रहता है। और जिसने मेरे भाई ये मेरी डिफरेंशियल मैनोमीटर वाली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले देख लो, ठीक है, उससे ये जल्दी समझ आ जाएगा। वहां पे मैंने ये समझाया कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया है। ठीक है, तो अब मेरे पास इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है कि प्रेशर निकालना, एक होता है प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालना, एक होता है प्रेशर का डिफरेंस और दूसरा होता है प्रेशर हेड का डिफरेंस। अभी हम यहां पे देखें तो यहां पे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो पी बी इस साइड आ जाएगा, पी ए माइनस पी बी इजिकल टू माइनस रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू और प्लस रो थ्री जी एच थ्री। अगर मैं इसमें वैल्यूज डाल दूं, ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज डाल दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, जो इस दोनों में प्रेशर का जो एक्चुअल डिफरेंस होगा वो निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो इसका जी वो निकाल के दो, प्रेशर हेड का डिफरेंस निकाल के दो, तो जब प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालना है तो आपने क्या करना है, इस एक चीज देखो, हेड क्या होता है, इसमें होना चाहिए मेरे पास हाइट, हाइट 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 रह जाए, रोजी 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 सब कुछ कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर इसका रोजी कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या आ सकता है, प्रेशर हेड का डिफरेंस। तो मेरे भाई रोजी क्या होता है, आपको पता होगा W इक्वल टू क्या होता है, रोजी, W मतलब स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट वो क्या होता है, रोजी रोजी। तो अगर रोजी मतलब W, तो दोनों तरफ W से ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे कोई ओमेगा भी बोलते हैं इसे, ठीक है, तो इससे अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ सकता है, प्रेशर हेड का डिफरेंस। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर तो प्रेशर का डिफरेंस आता है, प्रेशर का डिफरेंस, तो आपका आंसर जो आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, और अगर प्रेशर हेड बोलता है, हेड बोलता है, तो वो आएगा मीटर में आंसर, मीटर ऑफ दिस, मीटर ऑफ दिस, ठीक है, मीटर ऑफ जो भी होगा, मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ मरकरी, जो भी होगा वो वाला आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हो। अब देखो बुक की लैंग्वेज बताऊं आपको, तो बुक में कुछ इस तरह से दिया होता है, तो आप देखोगे कि बुक में, सर ये बुक में तो कुछ और तरीके से निकाला है, W है, S है, तो आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप दोनों तरफ देखो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, किससे डिवाइड करना है हमें, देखो हमें डिवाइड करना है रो ऑफ वाटर से, रो ऑफ वाटर और जी से, तो वो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू।
स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अगर मैं इसको रो ऑफ वाटर से डिवाइड करता हूं और जी से डिवाइड कर देता हूं तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा और रो फ्लूड और अपॉन रो वाटर क्या बन जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस एस वन, जी तो कट गया एच वन रह गया। ये आपकी बुक को समझाती है, ऐसे आपने ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये आसान लगता है तो ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होती है, आपने सीधे सीधे आंसर में डालना होता है, ठीक है, और यहाँ पे डालोगे आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पे भी यही है, रो ऑफ वाटर से और जी से डिवाइड कर दो, ठीक है। रो ऑफ वाटर जी से डिवाइड करने का मतलब किससे डिवाइड करना, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से, डब्ल्यू। अगर इधर डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है, पहले ये खत्म कर ले। इसको रो ऑफ फ्लूड अपॉन रो ऑफ वाटर क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस टू एच टू, जी तो कैंसिल हो गया, प्लस फिर डिवाइड करेंगे रो ऑफ वाटर और जी से, जी से जी कैंसिल हो गया और रो फ्लूड अपॉन रो वाटर क्या बन गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस थ्री एच थ्री। इस हिसाब से आपको दिया होता है, तो इधर भी करो क्या करो, W से डिवाइड कर दो, बस W मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से। तो पी ए माइनस पी बी अपॉन W, तो ये इक्वेशन बनती है जो आपकी बुक में दी हुई होती है। तो आपने करना क्या है, अब खत्म हो चुका है क्वेश्चन हमारा। माइनस एस वन दिया हुआ है 1.2, एच वन दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक चीज देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, एच एच क्या है 150 mm है, आपको मीटर में वैल्यू लेनी है, ये चीज याद रखना। तो मीटर में कैसे लेंगे, हमारे पास है 150, तो वो क्या बनेगा 0.150 माइनस एस टू कितना हमारा 13.6 और एच टू कितना है हमारे पास ये वाला 180 मतलब 0.180, ठीक है, और प्लस एस थ्री, एस थ्री हमारे पास ये देखिए 0.75 और हाइट कितनी है 220, तो ये बन गया 0.220। मीटर में निकाल रहे हैं ना, तो मीटर 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 में निकाल दिया। तो मेरे पास पी ए माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है माइनस 2.455 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया था, वाटर वाले से डिवाइड कर दिया था। तो पी ए माइनस पी बी अपॉन डब्ल्यू क्या निकल गया हमारे पास, ये वैल्यू निकल गई मेरे भाई। और इसमें जो माइनस साइन दिखाता है, माइनस साइन दिखाता है कि उल्टा है, मतलब ये देखो हमने क्या किया, पी ए माइनस पी बी किया था, तो पी ए हम मान रहे थे ज्यादा है, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि पी बी में प्रेशर ज्यादा है और पी ए में कम है, ये है पीबी में प्रेशर ज्यादा है और पीएम पीए में प्रेशर मतलब सॉरी प्रेशर ए का जो है वो कम है। तो आप इस नेगेटिव साइन से ये देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये किसकी कैलकुलेशन की हमने, जैसे हेड प्रेशर हेड ऑफ वाटर निकालने के लिए, तो प्रेशर हेड निकालने के लिए ये वाला काम किया हमने। अब कई बार बुक वाले ये कहते हैं कि नहीं हमें प्रेशर हेड नहीं, प्रेशर में वैल्यू निकाल के दो, तो उस वो और सिंपल है, करना क्या है, W इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना बस, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू माइनस 2.455 इंटू डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो वो कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मैं यहां लिख दूं W क्या है 9.81 किलो न्यूटन, ठीक है, ये याद रख लेना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 24.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता ये प्रेशर, तो यहां पे कैसे मतलब माइनस में शो करने की बजाय हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, पी बी माइनस पी ए कर देंगे, तो हमारा ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा पी बी और पी ए में इतना डिफरेंस है, 24.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से करें, मेरे तरीके से कर सकते हैं, इससे डिवाइड नहीं करना, फिर भी वही आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर का आंसर आएगा, प्रेशर हेड निकालना है तो आप उसको W से डिवाइड कर देंगे। आपने ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है,
तो उस हिसाब से आपने आंसर देना है। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, सब उसमें है। और इवन मैंने थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।